खबर बारा से। बारा में पेट्रोल पंप से अतिक्रमण हटाया गया और ये अतिक्रमण अब शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सभापति के पेट्रोल पंप से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाना शहर भर में चर्चा का विषय है। जमीन को सड़क बताकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप सड़क पर बना लिया, जिसकी वजह से अब यह अतिक्रमण यहाँ से हटाया जा रहा है। इस दौरान करीब 6 दुकानें भी तोड़ी जाएंगी। पूर्व सभापति के पेट्रोल पंप से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसलिए ज्यादा चर्चा भी हो रही है। बताया जा रहा है सड़क पर ही इन्होंने पेट्रोल पंप का विस्तार की जमीन का विस्तार सड़क तक कर दिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीला पंजा किस तरह चला इस अतिक्रमण पर। 6 दुकानें भी यहां से हटाई जाएगी। जमीन को सड़क बताकर यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है सड़क पर इन्होंने पेट्रोल पंप का निर्माण कर लिया। कुछ हिस्से का निर्माण सड़क पर किया, जिसकी वजह से अब ये कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पे जिन्होंने हमें लिख के दिया था, उनकी जमीन पे अधिग्रहण हो रहा है और साथ में नगर परिषद के भी, जो खसरा नंबर 170 और 171 है, वहाँ भी कई लोगों ने नीम फूंक के भर दी है। जो जमीन प्लांटेशन बेल्ट और हाईवे बेल्ट के रूप में आ रही है, जहाँ पे आवासीय निर्माण प्रतिबंध है, तो उन जगहों को हमने करीब 12 या 13 ऐसी है जिन्होंने चिन्हित कर लिया है और आज उनका अधिग्रहण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। विपिन तिवारी मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, ये किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बारा से विपिन जुड़े हमारे साथ। विपिन, कार्रवाई किस तरह की जा रही है? ये बारा शहर का शाहबाद का मुख्य रोड है, जहां पर जो है पीडब्ल्यूडी राजस्व विभाग की चारागाह जमीन और जलदाय विभाग, इन तीनों की जमीन थी। जो सड़क किनारे जो पट्टी थी वो जमीनें थी, लेकिन पूर्व सभापति कमल राठौड़ के समय में इस जमीन पर जो है कागजों में हेर फेर करके उसके सहयोगी और उसके द्वारा जो है इन जमीनों का बेचान कर दिया गया, जिसपे और एक पास में ही और ये नियाना सर्किल की बात जाएंगे और इसी के पास में एक और चारागाह जमीन थी, जहां पर कमल राठौर उसके साथियों द्वारा प्लॉटिंग करके मकान कॉलोनी काटी गई थी, जहां पे मकान बने हुए। तो इन जगहों से अतिक्रमण हटाना जाना था, लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान जो है अभी जो है हंगामा चल रहा है, क्योंकि कमल राठौर का जो पेट्रोल पंप जो था आधा वो सरकार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर था, सड़क की जमीन थी, तो पेट्रोल पंप का हिस्सा जो आधा था उसको हटाया गया है और उसके बाद ही जो 9 मकान थे, बड़े बड़े शोरूम जो बने हुए थे, उनको हालांकि अभी नगर परिषद ने छोड़ दिया। इसी के कारण नगर परिषद को विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नगर परिषद का लोग आरोप लगा रहे हैं कि नगर परिषद कर रही है। और उसी के आगे कुछ मकान बने हुए हैं जो 2012 से लोग काबिज थे, उनके पास जो है कुछ इकरारनामे और नोटरी टाइप के कागज भी हैं, जिनको जो है नगर परिषद नहीं मान रही है और उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो घर की महिलाएं और पुरुष हैं वो यहाँ पर अब हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद जो है पक्षपातपूर्ण, क्योंकि 9 मकान उधर छोड़ दिए गए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं जो घर बना के रह रहे हैं उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई जारी है, बड़ा पुलिस लवाजमा मौजूद है, एडिशनल एसपी से लेकर करीबन 200 लोगों का यहाँ पर स्टाफ पुलिसकर्मी मौजूद है। इसके अलावा जो है 6 पॉकलैंड मशीनें और दर्जन भर करीबन जेसीबी मशीनें, बड़ी संख्या में डंपर और यहाँ नगर परिषद के सफाईकर्मी। ऐसे में बड़ा एरिया है शाहबाद रोड और चोटी जगह है, लेकिन कार्रवाई फिलहाल जारी है और लोगों का विरोध लगातार हो रहा है। कुछ दुकानें खाली भी की जा रही है जहां से अतिक्रमण हटाया है, लेकिन बड़ी बारा जिले में अब तक सबसे पहली बार इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है जब से बारा जिला बना है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। बारा से विपिन तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े बता रहे थे, पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ की जा रही है अतिक्रमण हटाने की। जमीन को सड़क बताकर ये अतिक्रमण अब यहाँ से हटाया जा रहा है। 6 दुकानें तोड़ी जाएंगी और अब इसका विरोध भी किया जा रहा है। कुछ मकान भी निशाने पर हैं जिन्हें हटाया जाएगा, और विरोध इसलिए किया जा रहा है कि प्रशासन ने कुछ मकान यहाँ छोड़ दिए, जो बड़े मकान थे उन्हें तो छोड़ दिया, अतिक्रमण के दायरे में वो भी आ रहे थे उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जो छोटे मकान थे उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है और पूर्व सभापति के पेट्रोल पंप से भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की।